एक टाइम पर वह प्रेस इतना बड़ा हो गया कि जर्मनी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रिंटिंग प्रेस बन गया। तो उन्होंने कहा कि जो कंट्रीब्यूशन मुंशी नवल किशोर जी के हैं इस्लाम के लिए, वो किसी भी मुसलमान को कभी नहीं भूलने चाहिए। इसमें हैंड प्रिंट प्रेस से ही काम चलाया जाता था, इसमें पत्थर पे उकेरा जाता था अक्षर और उसको फिर एक पेज के रूप में छापा जाता था। अपने इस सफर के अंतिम पड़ाव में मैं पहुंच चुका हूं भारत के कैक्सटन के घर। किताबों के इस देवता को भारत का कैक्सटन भी कहा जाता था। कैक्सटन कौन था? आज 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल मतलब बुक एंड कॉपीराइट डे। यह दिन 1995 से यूनेस्को सेलिब्रेट कर रहा है उन लोगों को प्रमोट करने के लिए जो किताबें लिखते हैं, किताबें बेचते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ाते हैं। आज मैं जहां पर खड़ा हूं वह जगह है यूनिवर्सल बुक सेंटर हजरतगंज। मैंने जिस विषय को उठाया है और मैं आज का जो विषय जिस व्यक्ति को समर्पित करने जा रहा हूं, उस सफ़र को, उस विषय की शुरुआत को शुरू करने के लिए यहाँ से अच्छी जगह मुझे कोई और नहीं दिखी। वह इसलिए कि यहीं से महज 500 मीटर की दूरी पर एक किताबों के देवता का घर है, किताबों के एक मसीहा का घर है जिसने पूरी दुनिया को किताबें पढ़ाई। मुंशी नवल किशोर एक ऐसी शानदार शख्सियत हैं और इस शहर के लिए तो खैर बहुत ही ज़्यादा शानदार शख्सियत हैं वो, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इस शहर की लिटरेसी और इस शहर के डेवलपमेंट में उनका हाथ बहुत बड़ा है। आप समझें कि 20वीं शताब्दी में 5000 वॉल्यूम्स को पब्लिश करना कोई छोटी बात नहीं थी। उस ज़माने में वो लीथोस से रिलीजियस बुक्स प्रिंट कराते थे और जितनी मजहबी किताबें होती थी, चाहे किसी भी मज़हब की हों, उनके उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता था। बगैर नहाए, बगैर जूते उतारे लोग प्रिंटिंग एरिया में नहीं आ सकते थे और जब भी जो भी एक्स्ट्रा पेजेस बच जाती थी वो कभी भी कबाड़ खाने में नहीं जाती थी, वो वापस पेपर मिलों को दी जाती थी रिसाइकलिंग के लिए, ताकि कभी भी कोई रिलीजियस बुक के पन्ने जो हैं वो किसी के पैर के नीचे ना आए। वो बात अलग है कि भारत में किताबों का जो कारोबार है वह 1,00,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, लेकिन जब किताबों की बात की जाए तो महज आर्थिक मुद्दे पर न करके उसके जितने भी मुद्दे हैं उनको समेटा जाना चाहिए। कहते तो ये भी हैं कि आदमी मरता एक ही बार है, लेकिन वह जिंदगी अगर जीता है तो कई बार वो जन्म लेता है और यह जन्म उसे मिलता है किताबों को पढ़ने से। अ गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक आर मार्टिन कहते हैं कि अगर कोई इंसान 1,000 जिंदगियां जीना चाहता है तो उसे किताबों से दोस्ती करनी चाहिए और किताबों को पढ़ना चाहिए। तो क्यों ना हम आज बात करें एक ऐसे इंसान पर जिसने अपना ही जीवन नहीं बल्कि उसकी 5-5 पीढ़ियों ने ही किताबों को अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक टाइम पर वह प्रेस इतना बड़ा हो गया कि जर्मनी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रिंटिंग प्रेस बन गया। सबसे अच्छी बात है कि नवल किशोर ने प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक, धार्मिक सभी पांडुलिपियों को अपने प्रेस में संरक्षित किया, प्रकाशित किया, जो कि आज की हमारी 21वीं सदी के सामने संरक्षित हैं, जनता को, सर्वसाधारण को सुलभ हैं। तो ये बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने प्रकाशन के क्षेत्र में। उन्होंने सबसे पहले 1858 में नवल किशोर प्रेस की स्थापना की थी, एक छोटे रूप में की थी, तो वो रकाबगंज में खोला था। उसके बाद से इसको स्थानांतरित किया उन्होंने हज़रतगंज में। हज़रतगंज में फिर इस नवल किशोर प्रेस से किताबें छपने लगीं। उस समय सबसे पहले उन्होंने अवध अखबार का प्रकाशन किया, ये जो है 1845 से 1950 तक 92 वर्ष तक लगातार चला। उनका सबसे पहला पब्लिकेशन था अवध अखबार और यह कोई मामूली अखबार नहीं था। इसकी शुरुआत करने के लिए खुद सर सैयद अहमद खान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। कि 5000 तो वॉल्यूम हुई, मतलब 5000 डिफरेंट बुक्स, अब उनकी कितनी कॉपीज, कितने इश्यूज, फिर अवध अखबार का निकालना और चलाना, गालिब ऐसे महान लेखक को का उनका कलाम मुंशी जी ने अपने मतबे में ही छापा।
और मैं कहूँगा दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, हालांकि गालिब उनसे भी उम्र में बड़े थे, लेकिन वो दिल्ली से यहाँ तक आए मुंशी जी से मिलने, और मुंशी जी ने उनका कलाम छापा, क्योंकि उसमें देखा कि जो खूबी है वो आज हम सभी जानते हैं। किताबों की दुनिया में उनके योगदान को आप इस बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने लखनऊ में रहकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को 2000 किताबें दीं, अरब देशों सहित पूरे एशिया को 1.50 रुपये की कीमत पर कुरान की प्रतियां उपलब्ध कराई, दीमक खा रही पांडुलिपियों को अपने खर्चे पर खरीद कर उन्हें पुस्तकों का रूप दिया, वेद पुराण उपनिषद गीता महाभारत के उर्दू हिंदी अनुवाद हों या राजा महाराजाओं की आत्मकथाएँ, सबको उन्होंने हिंदी उर्दू पुस्तकों का रूप दिया। उनकी तारीफ में मिर्जा गालिब ने शायरी लिखी, ब्रिटेन की महारानी ने उनको केसरे हिंद का सम्मान दिया। मुंशी नवल किशोर पर बात करने के लिए अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी आने से आप बच नहीं सकते, क्योंकि यह वह जगह है जहां पर मुंशी नवल किशोर की निशानियां मौजूद हैं, यहां उनके कपड़े मौजूद हैं, यहां उनके बर्तन मौजूद हैं, उनके द्वारा जो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस यूज़ किया गया था वो मौजूद है, लिथो पत्थर मौजूद हैं, और इतना ही नहीं उनके द्वारा जो उर्दू फारसी में जो किताबें पब्लिश की गई उनकी सैकड़ों प्रतियाँ यहाँ पर आज भी संग्रहित करके रखी गई हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी। इसमें हैंड प्रिंट प्रेस से ही काम चलाया जाता था, इसमें पत्थर पे उकेरा जाता था अक्षर और उसको फिर एक पेज के रूप में छापा जाता था। यहाँ पर उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान हैं, जो मशीन उस समय जिस तरह का प्रिंटिंग प्रेस वो प्रयोग करते थे, जिस तरह के इक्विपमेंट, जिस तरह की चीज़ें वो प्रयोग करते थे वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हैंड प्रेस लिथो पत्थर है, हैंड प्रेस है यहाँ पर, और उनके द्वारा जो प्रयोग किए जाते थे कपड़े थे वो यहाँ पर हैं। उनकी एक से एक जितनी भी चीज़ें बचा कर रखी जा सकती थी वह अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा संरक्षित करके रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है उनके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कैमरा भी है, बर्तन है, घड़ी है, छड़ी है, हर तरह की चीज़ें जितनी भी संरक्षित की जा सकती थी आज वो यहाँ पर संरक्षित करके रखी गई हैं, जो कि हमें एहसास दिलाती हैं कि वह उस समय का समाज, उस समय की जीवन शैली कैसी रही होगी। लखनऊ में तो उनके प्रेस थे ही, लेकिन उनके बुक डिपोज और बाकी उनके जितने भी कनेक्टेड काम थे प्रिंटिंग और पब्लिशिंग से वो कई मुल्कों में थे। इनकी लाइब्रेरियां भी विलायत में भी थीं और कई जगह थीं, और ईरान ने भी बहुत इंटरेस्ट लिया, ईरान के कई स्कॉलर्स आए यहाँ, बहुत सी कॉपीज हमारे परिवार ने उनको गिफ्ट भी की, गाड़ियों की गाड़ियाँ गिफ्ट लेके गए वो, जो कई लाइब्रेरीज और नई बन गई हम लोग की ज़िंदगी में। उनके गुजर जाने के वर्षों बाद ये काम चलता रहा है, ये जो लाइब्रेरीज़ का बढ़ना, उनकी किताबों का जगह जगह पहुंचना, ये काम चलता रहा है। अब कुछ सालों से इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है कि अब लोगों को इतना आना नहीं पड़ता आपके पास, अब सब कुछ मौजूद है। 90 के दशक के पहले जापान से, ईरान से, विलायत से, सब जगह से स्कॉलर्स आके यहीं बैठते थे, उन्हीं कंडीशन में बैठते थे जिन कंडीशन में ये किताबें उस वक्त ज़माने में रखी जाती थी, बिना बिजली के, ताकि कहीं आग का डर ना हो, सब ऊपर से लाइटिंग दी जाती थी स्काई लाइट से कि रोशनी आती रहे और स्कॉलर्स अपना काम कर सके। तो एक ये बहुत ही अद्भुत योगदान मुंशी नवल किशोर का रहा इन द फील्ड ऑफ पब्लिशिंग। अपने इस सफ़र के अंतिम पड़ाव में मैं पहुंच चुका हूं भारत के कैक्सटन के घर। किताबों के इस देवता को भारत का कैक्सटन भी कहा जाता था। कैक्सटन कौन था? कैक्सटन ब्रिटेन का निवासी था, उसका पूरा नाम था विलियम कैक्सटन, और 1475 में उसने लंदन के वेस्टमिंस्टर शहर में ब्रिटेन का पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था, और भारत में बड़े स्तर पर प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने का श्रेय जाता है मुंशी नवल किशोर, इसीलिए उनका एक नाम भारत का कैक्सटन भी है। उन्होंने हजारों किताबें छापी और इतने नायाब तरीके से किताबों को उन्होंने छापा कि ईरान के शाह ने कलकत्ता में खुले मन से कहा
कि भारत आने के पीछे उनका मकसद सिर्फ दो लोगों से मिलना है, एक वायसराय से और दूसरा मुंशी नवल किशोर से। अफगानिस्तान के शाह ने भारत में आकर मुंशी नवल किशोर से मिलकर कहा कि मैं अफगानिस्तान का बादशाह हूँ और आप इल्म के बादशाह हैं, और यह कहते हुए उन्होंने सॉल में सोने की असरफियाँ रखकर उनको भेंट किया। कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब वाइस चांसलर रह चुके थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जब वो प्रेसिडेंट बने हिंदुस्तान के तो उन्होंने सबसे पहला काम किया मुंशी नवल किशोर का टिकट जारी कराया। जो यहाँ का मशहूर डफरन अस्पताल है और जुबली कॉलेज है वो भी मुंशी नवल किशोर का, उनके स्थापना में बहुत बड़ा योगदान था। मैं तो कहूँ कि ज़्यादा धनराशि जो उन इंस्टीट्यूशंस को बनाने में लगी वो मुंशी जी की दी हुई थी। मैं तो ये भी निवेदन करूँगा सरकार से कि अब जुबली कॉलेज का जुबली नाम रखने का कोई महत्व बाकी नहीं रह गया, उसको मुंशी नवल किशोर के नाम पर रख देना चाहिए और डफरन अस्पताल का भी नाम बदल के अब मुंशी नवल किशोर अस्पताल हो जाना चाहिए। ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है सरकार से। मुंशी नवल किशोर जी का देहांत हो गया था 1895 में, वो 60 वर्ष के भी पूरे नहीं हुए थे। हम लोग ने 90 के दशक में प्रेस को बंद कर दिया। लिखने पढ़ने का काम परिवार में था तो वो शौक तो गया नहीं। मैंने भी एक नॉवल जारी की डांस ऑफ डेस्टिनी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा जी ने लॉन्च की 2021 में, और इस वक्त मैं महाभारत पे किताब लिख रहा हूँ भीष्म पितामह की आत्मकथा अंग्रेजी में, महाभारत विद पर्सपेक्टिव ऑफ भीष्म पितामह, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो किताब अच्छी तरह प्रकाशित हो जाए और लोगों को पसंद आए। मैं एक नसीहत जवानों को देना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करें ना करें लेकिन शिक्षा में कभी कमी ना होने दें। कोई ऐसा गोल नहीं है, कोई ऐसा टारगेट नहीं है, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो आप अपने जीवन में पढ़ लिख के पूरा ना कर पाएं। थैंक यू।